तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं। तो गैस आज हम लोग खेलने वाले हैं वापस से माइनक्राफ्ट। और गैस आज हम लोग यार टेस्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ क्रेजी मिथ। क्रेजी, यस, बहुत ही ज्यादा क्रेजी मिथ। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं सल्लू भाई की एक्टिंग करना चाह रहा था, पर सल्लू भाई की एक्टिंग मुझसे नहीं हो पाएगी, सॉरी। तो भाई यहाँ पे जो है फटाफट से मेरे पास यहाँ पे सारे मिथ रेडी है। मैंने सारे मिथ को यहाँ पे भाई नोटबुक पे लिख रखा है इस वाले पेन की मदद से। तो भाई फटाफट से जो है इन सारे मिथ को ट्राई करते हैं और देखते हैं ये सारे मिथ हमारे काम के हैं या फिर नहीं। अगर ये मिथ हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे तो मजे आ जाने वाले हैं। तो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, लेट्स गो। तो भाई जो हमारा पहला मिथ है भाई वो मैं ये कहता है कि भाई हम लोग कैमल के हेड पे अटैक नहीं कर सकते। यानी कि भाई हम लोग उसकी बॉडी पे तो अटैक कर सकते हैं, पर उसके हेड पे भाई अटैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो भाई ये रहे हमारे सामने कैमल जो कि डेजर्ट बायोम में है, और यहाँ पे भाई जो इसका हेड है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊंचा है। देखो अगर मैं इसकी बॉडी पे मारूंगा तो देखो लग रहा है शॉट, और यहाँ पे इससे भाई थोड़ा बहुत डैमेज भी हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे इसके हेड पे मारूंगा तो शायद ये वर्क नहीं करेगा। और मैं तुम्हें बताऊं तो भाई मेरे को लगता है झूठ है, तो मार के देखते हैं। भाई भाई साहब, भाई इसके नहीं लग रहा था भाई, वो गलती से इसकी बॉडी पे लगा है। रुको 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 भाई, भाग मत यार, ऐसे मत कर प्लीज भाई। वाह साहब, प्लीज सर। तो भाई ये इसकी हेड, मतलब इसका हेड मारा भाई नहीं लगा, एक और मारा नहीं लगा, एक और मारा नहीं लगा। अब देखो मैं इसके फ्रंट व्यू से मारूंगा तो लगेगा भाई, अब इसके फ्रंट व्यू से भी नहीं लग रहा। तो भाई इसका मतलब यह है कि ये वाला मिथ हमारा कंफर्म होता है, और इसका मतलब यह है कि हमारे कैमल के ऊपर किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता अगर हम उसके हेड पे मारे तो दिस मिथ इज कंफर्म्ड। और फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ पे। तो भाई जो हमारा अगला मिथ है भाई वो इन वाले पिगलिन से रिलेटेड है। तो भाई तुमने इन वाले पिगलिन को जरूर कभी ना कभी तो देखा होगा नेदर के अंदर में। तो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस मिथ भाई हम लोग जो है इन वाले पिगलिन को पहना सकते हैं कोई सा भी मॉब हेड जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई मैं इसको जो है नेदर के अंदर ही क्रीपर वाला हेड बना के इसको क्रीपर वाला लुक दे सकता हूँ, जो कि मेरे को एक बार ट्राई करना है। बाकी भाई ये मेरे को लग रहा है कि हो भी सकता है, क्योंकि यार ये जो है सारा सामान चुरा के पहले थे सर्वाइवल के अंदर में, तो ये भी एक कर ही सकते हैं। तो एक बार टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। फटाफट से इनके लिए कई सारे हेड लेके आता हूँ और सारे हेड एक बार टेस्ट करके देखेंगे। तो गाइस देखो यहाँ भाई मैं सारे हेड लेके आ चुका हूँ। पहले भाई इन्हें भाई थोड़ी बहुत मस्ती कर लेने दो, अब इनकी मस्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले भाई मैं इसके ऊपर फेंकने वाला हूँ यहाँ पे जॉम्बी का हेड। तो लेट्स गो, जॉम्बी हेड फेंकते हैं, और यहाँ पे यहाँ फेंकता हूँ मैं। भाई ये तो पहन ही नहीं, भाई इसने पहन लिया, भाई इसने पहन लिया। और भाई तुम लोग देख सकते हो ये कितना ही ज्यादा गंदा लग रहा है, मतलब कि अजीब सा लग रहा है। भाई ये ऑलरेडी इतना गंदा है और इसने ये हेड ऑफ पहन लिया भाई, तो और भी ज्यादा गंदा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे कई सारे हेड फेंक दिए, लेट्स गो, कोई तो पहन लो। तो भाई साहब पहन लिया है यहाँ पे इसने, और भाई एक बार जरा अपनी शक्ल दिखा प्लीज। तो भाई ये देखो भाई यहाँ पे स्टीव वाले पिगलिन भी आ गए जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं, और भाई ये थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो। तो देखो भाई यहाँ पे मेरे पास अब हर टाइप के भाई पिगलिन हो चुके हैं, और भाई एक बार ना मैं इनको सर्वाइवल के अंदर भी कलेक्ट करना चाहता हूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। अगर पॉसिबल होगा तो भाई हम लोग जरूर अपने हार्डकोर सीरीज के अंदर इसको टेस्ट करेंगे, बाकी ऐसा नहीं होता होगा जब भी मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। बाकी यार देखो इतना मेरे को जितना भी ट्राई करना था मैंने ट्राई कर लिया, और ये मिथ भी पूरा कंफर्म्ड है। तो लेट्स गो, बढ़ते अपने थर्ड मिथ। तो गाइस जो हमारा थर्ड मिथ है भाई उसके अकॉर्डिंग भाई तुम्हें पता ही होगा कि भाई जो हमारा एक प्लांट होता है वो हमें जो है भाई यहाँ पे देता है एक डाई, ठीक है, मतलब कि हमारा एक जो फ्लावर है वो हमें एक ही डाई देगा। पर यार हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा प्लांट भी है जो कि हमें एक ही फ्लावर से दो डाई देता है, और भाई उस प्लांट का नाम है भाई यहाँ पे पिचर प्लांट। तो भाई हमें फटाफट से टेस्ट करने वाला हूँ, तो लेट्स गो, देखते हैं कैसे रहता है। बाकी यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, पर एक बार जाके मैं टेस्ट करने वाला तुम्हारे सामने, और अगर सच हुआ तो मजे आ जाएंगे। तो भाई ये रही मेरे हाथ में क्राफ्टिंग टेबल। अब जो है फटाफट से मैं जो है इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे ये भाई पिचर प्लांट्स जो कि तुम्हें दिख भी रहोगे भाई, ये माइनक्राफ्ट में कब ऐड हुए मेरे को सही में नहीं पता। तो यहाँ पे ये प्लांट्स भाई थोड़े बड़े भी हैं, तो एक तोड़ता हूँ मैं, और एक मेरे हाथ में आ चुका है, और साथ में को एक सिंपल भाई यहाँ पे फ्लावर भी चाहिए होगा। तो भाई ये रहा सिंपल फ्लावर, और मैंने इसे भी ले लिया है ताकि भाई मैं हम लोग कंपेयर कर सके। तो मैं सबसे पहले भाई यहाँ पे जो है सिंपल फ्लावर के संग करने वाला हूँ, और यहाँ पे एक ही डाई आएगी ये तो मुझे पता है। और देखो यहाँ पे एक ही ब्लू डाई बन के रेडी हुआ है, और यहाँ पे जैसे मैं इसे प्लेस कर दूंगा। और भाई अब बारी है पिचर प्लांट की, और यहाँ पे भाई तुम लोग फटाफट से कॉमेंट्स में बताओ क्या तुम्हें लगता है कि पिचर प्लांट हमें यहाँ पे दो डाई देगा। और भाई कोई चीटिंग नहीं करेगा, अभी के अभी पॉज करो, अभी के अभी कॉमेंट में बताओ, और जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। तो भाई फटाफट से बता देना, तो बता दिया, जल्दी बताओ, तुम्हें टाइम दिया।
तो हाँ, अब तक तो शायद तुमने बता दिया होगा। तो यहाँ इसे प्लेस करते हैं, और भाई यहाँ पे ये दो दो किसान डाई दे रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात। तो मतलब कि ये वाला विद भी हमारा एकदम सही निकलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात हो गई है। तो भाई अब तो मैं इसी को यूज करूंगा, पर ये प्लांट मेरे को मिलेगा कहाँ आसानी से, है ये तो सोचा ही नहीं। कोई नहीं, जो भी है भाई, नई नॉलेज मिली माइनक्राफ्ट के बारे में। तो भाई जो हमारा तीसरा मिथ है भाई, वो तो मैं डायरेक्ट के डायरेक्ट टेस्ट करके दिखाता हूँ, और देखते हैं वो कैसा रहता है। तो भाई अकॉर्डिंग टू अवर थर्ड मिथ, तो भाई यहाँ जो है हम लोग एकदम मस्त तरीके से किसी भी सैपलिंग को भाई पानी के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। तो भाई पहले मैं पानी के पास जाता हूँ, और पानी यहाँ पे बहुत सारा है, तो भाई अंडर वाटर ही चलते, क्योंकि भाई ये पूरा काम अंडर वाटर ही करना है मेरे को। तो यहाँ पे सही लग रहा है मुझे, और अंडर वाटर जाऊँ क्या, इतना काफी रहेगा भाई। हम लोग यहाँ पे ग्रो करके देखते हैं। तो भाई यहाँ ना देखो, तो मैं दिखाता हूँ, मैं कोई भी सैपलिंग को अंडर वाटर ग्रो नहीं कर सकता। जैसे भाई मैं उसे प्लेस कर दे रहा हूँ भाई, वो खुद ब खुद यहाँ पे उड़ के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जो है भाई वापस से करते हैं। तो भाई ये तुम लोग किसी भी सैपलिंग के साथ करके देख लो, ऐसा नहीं हो पाता। पर यार जो हमारे यहाँ पे मैनग्रोव का क्या था स्पेलिंग, रुको एक सेकेंड, मैनग्रोव का, हाँ तो भाई जो हमारे यहाँ पे मैनग्रोव का प्रोपे प्रोपे तो भाई जो हमारे यहाँ पे मैनग्रोव का प्रोपेगुल है, प्रोपेगुल मतलब कि जो भी है ये, तो भाई ये ना पानी के अंदर भी ग्रो हो सकता है। देखो भाई यहाँ से सिंपली प्लेस करूंगा, और ये देखो बार बार जो है पानी के ऊपर नहीं जाएगा, और सिंपली बोन मील अगर मैं करता हूँ तो शायद ये उग भी जाए, मैं कर तो रहा हूँ। और भाई ये उग गया भाई, देखो भाई मैनग्रोव का ट्री भाई पानी के अंदर ही उग गया भाई, और कितना शानदार ट्री उगा है भाई, देख सकते हो। तो इसका मतलब ये वाला मिथ भी कंफर्म होता है दोस्तों, और अच्छा लगा मुझे ये मिथ। बाकी क्या रहेगा, तो मेरे पास भी कोई मिथ है तो मुझे फटाफट से कमेंट्स में बता दो, मैं सबके कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ, और मुझे जो भी मिथ बढ़िया लगेगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा, तो बता देना। तो वैसे तुम में से कई सारे लोगों ने भाई स्निफर का एग देखा होगा अपने वर्ल्ड के अंदर में, जैसे कि मैंने नहीं देखा आज तक, पर हाँ मैंने क्रिएटिव में देखा है। तो गाइस ये जो हमारा मिथ है, अगर भाई हम लोग अपने स्निफर एग को किसी मॉस ब्लॉक के ऊपर रखते हैं, तो भाई वो बहुत ही ज्यादा जल्दी हैच होगा एज कम्पेयर टू अगर हम उसे सिंपल ब्लॉक के ऊपर रखे। तो फटाफट से टेस्ट करते हैं, और इस पे मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, क्योंकि भाई ऐसा शायद ही होगा, क्योंकि यह कन्फर्म नहीं है कुछ भी। तो लेट्स गो टेस्ट करते हैं भाई। यहाँ मेरे पास जो है भाई एक मॉस का ब्लॉक भी है, साथ में दो स्निफर के एग भी है। तो भाई देखो, एक एक जो है मैं यहाँ पे रखूंगा मॉस ब्लॉक के ऊपर मैं, और एक रखूंगा भाई यहाँ पे मैं अपने ग्रास पे। तो भाई यहाँ कोई चीटिंग ना हो जाए, इसलिए भाई यहाँ जो है मैं एकदम साथ में रखने वाला हूँ, बिल्कुल 1 सेकंड के डिफरेंस के अंदर। तो एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा, और फटाफट से पीछे आते हैं और यहाँ पे वेट करते हैं इनके हैच होने का। भाई यार कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, भाई इसमें आवाज हुई भाई, भाई शायद ये फूटने वाला है, और ये मिथ में कुछ सच होता दिखाई दे रहा है। तो गाइस मेरे को यहाँ पे भाई 2.5 साल हो चुके हैं, और अभी तक ये फूटा नहीं है, और मेरी भाई बहुत सारा उम्र निकल चुकी है, अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ दोस्तों। अब क्या है ना, ऐसे बैठ के देखा नहीं जाता भाई। जो मॉस ब्लॉक वाला था भाई वो जल्दी फूट गया, और ये है करता हुआ आगे निकल गया दोस्तों, और ये अब कहाँ जा रहा है मुझे भी नहीं पता। अब बढ़ते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस जो हमारा अगला मिथ है, उसके अकॉर्डिंगली भाई हम लोग जो है यहाँ पे सस्पिशियस सैंड को, और यहाँ पे सस्पिशियस ग्रेवल को अपनी जो है स्लिट टच की मदद से माइन कर सकते हैं। और भाई ये तुम लोग समझ रहे हो कितनी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारी यहाँ पे हिडन लूट होगी ट्रायल चैम्बर्स की, हम लोग भाई उसको अपने घर पे लेके जा सकते हैं, और फिर उसको लूट कर पाएंगे अगर ऐसा हो पाए तो। क्योंकि ट्रायल चैम्बर्स की जितनी लूट होती है भाई, वो सारी की सारी ना सस्पिशियस सैंड और सस्पिशियस ग्रेवल के अंदर होती है। तो लेट्स गो चेक करते हैं भाई यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से। और यहाँ पे देखो भाई ये है मेरे सामने एकदम सिंपल सैंड, और बाकी तो मैं दिखा दूं, मेरे हाथ में ये है भाई सिल्ट टच की एक पिकेक्स, जो कि देखो तो मैं प्रूफ देता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे ग्रास थोड़ा, तो यहाँ देखो ग्रास का ब्लॉक आया, तो मतलब कि सिल्ट टच इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो ये तो सिंपल ग्रेवल है, जिसको मैं से तोड़ूंगा तो भाई ये मेरे पास आ जाएगी, और ये सिंपल ग्रेवल है जो कि आसानी से तो आ ही जाएगी भाई। और इस तरीके से अब मेरे को चेक करना है क्या ये जो सस्पिशियस ग्रेवल और ये जो सस्पिशियस सैंड है, क्या ये मेरे पास आ पाएगी भाई। मेरे को लगता है आ जाएगी, क्योंकि मेरे को लगता है, बाकी चेक करते हैं। 1 2 3 बूम, भाई मेरे को लगा था कि आ जाएगी, मैंने नहीं बोला था कि, मैंने तो मैं गारंटी नहीं दी थी कि आ जाएगी, मैं तो कह ही रहा था भाई नहीं आएगी। हाँ मैं तो यही कह रहा था। तो भाई यहां पर जो है फटाफट से इसको चेक करते हैं भाई, मेरे को पता था भाई मैं एक्टिंग कर रहा था, शेर लाइक हो जाए, और शेर भी कर दो।
तो गाइस अकॉर्डिंग टू अवर लास्ट मिथ भाई हम लोग जो है यहाँ पे भाई पानी के अंदर भी सो सकते हैं। यस गाइस पानी के अंदर सो सकते हैं, जो कि सुनने में थोड़ा मेरे को भी अजीब लगा और यहाँ पे रात भी होने लगी है, तो रात होने का वेट करते हैं फिर भाई पानी के अंदर सो के देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे तो सो सकते हैं बड़े प्यार से, पर भाई पानी के अंदर सो के मैंने आज तक ट्राई नहीं करा, एक बार मेरे को ट्राई करना है। तो भाई यहाँ पे ये पानी है पर ये इतना डीप नहीं है, तो यहाँ नहीं सोएंगे हम लोग, थोड़ा दूर जाके सोते हैं एक सेकंड को, जहाँ पे ज्यादा गहरा पानी हो वहां जाके सोएंगे ताकि मैं एकदम सही से चेक हो सके। तो भाई ये है अपना ठीक है पानी, और यहाँ पे भाई ये मैंने लगा दिया ठीक है बेड। रात ऊपर शायद हो चुकी है, एक बार जरा चेक करते हैं, भाई रात एकदम हो चुकी है। अब यहाँ पे भाई मैं एकदम सोने वाला हूँ, अपना गेम मोड सर्वाइवल कर लेते हैं ठीक है। और यहाँ पे भाई मैं भाई भाई सो गया भाई पानी के अंदर, भाई तुम्हें दिख नहीं रहा होगा पर मैं पानी के अंदर ही सो के उठाऊ, और देखो यहाँ मेरे बबल्स भी कम नहीं हुए, और इस बेड को मैं तोड़ सकता हूँ क्या भाई? हाँ एकदम मस्त तरीके से। तो भाई ये वाला मिथ भी कंफर्म होता है भाई, मतलब कि अब तक हमने जितने मिथ ट्राई करे वो सारे के सारे काम करे सिवाय वो सस्पिशियस सैंड के, क्योंकि भाई वो सस्पिशियस था तो उसमें कुछ भी हो सकता था। तो पर जो भी है एकदम बढ़िया रहा, और भाई यही थे आज के हमारे कुछ मिथ जो कि तुमने देखे। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार जाके इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके प्लीज यार फॉलो भी कर लो, क्योंकि यार तुम सबके एक फॉलो से मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज ये सारे काम कर देना, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। कोई मिथ है तुम्हारे पास तो फटाफट से कॉमेंट कर दो, बाकी बाय बाय। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो जाके इनमें से कोई वीडियो चेकआउट करो जो कि बढ़िया वीडियोस है तो तुम्हारे काम आएंगे, तो करो जाके चेकआउट। बाय शेर।